फैसला किया गया, केंद्र सरकार ने फैसला किया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन दे विच पंजाब दा हिस्सा लगभग खत्म करने का यत्न किया गया। एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप जिहड़ा है फैसला किया गया। बीजेपी की सरकार लगातार केंद्र की सरकार पंजाब विरोधी फैसले लै रही है, चाहे पहला बीबीएम का मामला होवे, पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला होवे, लगातार पंजाब नूं पंजाब का जिहड़ा हक आ चंडीगढ़ दे विच उहनूं खत्म करने का यत्न किया जा रहा। क्योंकि जदों पंजाब विच इलैक्शन हो रही सी, जदों पंजाब विच विधानसभा की इलैक्शन हो रही सी, तां उस समय दिल्ली दे विच एमसीडी इलैक्शन पेंडिंग पई सी, दिल्ली की एमसीडी की इलैक्शन पेंडिंग पई सी, और चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदों इलैक्शन कमीशन की जो प्रैस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उस चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमसीडी की इलैक्शन रद्द की गई, डेटा अनाउंस करने तो मना किया गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार समझ चुकी थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और दिल्ली के भी एमसीडी के आम आदमी पार्टी जी एमसी जितन गए और सरकार जी मेयर उत्थे आम आदमी पार्टी के बनगे, उदो रद्द किया गया। और उस तो बाद लगातार जदों के सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री बने ने, आम आदमी पार्टी वालों लगातार पंजाब पक्षी फैसले हर रोज पंजाब के लोगों के हक में फैसले आम आदमी पार्टी की सरकार लै रही हैगी। उन्होंने फैसलों तो डरते मारिया ने चंडीगढ़ के कहा फैसला किया गया, चंडीगढ़ का फैसला होगा, ना ही मुलाजमान पूछा गया, ना जो स्टेक होल्डर ने पंजाब, क्योंकि हरियाणा में तो अपनी सरकार आ गई बीजेपी की सरकार आ, पंजाब सरकार को नहीं पूछा गया, पंजाब दे विच जिहड़े स्टेक होल्डर ने उन्होंने जिहड़े डिपार्टमेंट ने ना उन्होंने पूछा गया। मैं समझदा बीजेपी दी केंद्र दी सरकार आ लगातार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, लगातार पंजाब विरोधी फैसले लै रही आ। 1966 दे जिहड़ा एक्ट सीगा, 1966 दा पुनर्गठन एक्ट दे अधीन पंजाब दा 60% शेयर जिहड़ा हरेक मामले दे विच, चाहे वह एजुकेशन दा गा, जिहड़ा भी मामला गा यूटी का, पंजाब का हक बढ़ता सी, पर लेकिन लगातार हौली 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 खत्म किया जा रहा, क्योंकि जिन्नियां सरकारां हुण तक रहियां नेगियां पंजाब विच, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार होवे, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे, सारिया ने हौली 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 अधिकार जिहड़ा हैगा पंजाब का चंडीगढ़ ते उहनूं छड़दे रहे, हरेक खेत्र दे विच, बीबीएम के खेत्र दे विच, पंजाब यूनिवर्सिटी के खेत्र दे विच, और हुण चंडीगढ़ के इंपलाई के खेत्र दे विच, बल्कि इस फैसले के नाल चंडीगढ़ के मुलाजमान की तनखाह घटूगी, चंडीगढ़ के मुलाजमान फायदा नहीं होना, उन्हें तनखाह घटूगी। सो यह लोक विरोधी फैसला गा, आम आदमी पार्टी इहदा पुरजोर विरोध करती आ, पंजाब सरकार इहदा पुरजोर विरोध करती आ। बिल्कुल असी बड़ी जल्दी जिहड़ा प्रोग्राम उलीकांगे और इस फैसले खिलाफ संसद तो लैके गलियां तक जाके सड़क तक जाके असी अंदोलन करांगे आम आदमी पार्टी, और पंजाब दे हितों नूं प्रोटेक्ट करके रखूगी, पंजाब दे नाल केंद्र सरकार दे नाल कोई भी समझौता नहीं करांगे, लोक विरोधी फैसले का डट के आम आदमी पार्टी लोगों दे विच भी सरकार दे लैवल ते भी विरोध करांगे जी। नहीं, ये पार्टी कोई गल नहीं, ठीक है जी। कांग्रेस चंडीगढ़ ने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया, हूं जो केंद्र ने फैसला लागू कर दिता, हूं इसका विरोध क्यों होना शुरू हुआ? देखो जो 1966 एक्ट बनिया उदों पंजाब का क्लेम 60% सीगा, एक साजिश के अधीन जिहड़ी लंबे समय तो साजिश जिहड़ी आ इह पार्टियां रखदियां आ रही हैं, लगातार पंजाब का क्लेम छड़दियां आ रही हैं, जिन्नियां भर्तियां हुंदियां सीयां, जिन्नियां रिक्रूटमेंट हुंदियां सी, उन्हां सारियां रिक्रूटमेंट दे विच पंजाब का शेयर हौली 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 खत्म करते रहे, केंद्र सरकार की साजिश सीगी, अज उह साजिश जिहड़ी सामने आ चुकी हैगी, क्योंकि इहदे विच हुण तक दीआं सरकारां, चाहे पंजाब जिन्नियां भी सरकारां रहियां नेगियां वह दोषी नेगियां, और केंद्र सरकार को मौका दिता गया, आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार पंजाब च बनेगी, आम आदमी पार्टी सरकार इस फैसले का डट के विरोध करती है और पार्टी भी डट के विरोध करती है। बिल्कुल कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे,
और प्रोटेस्ट भी करांगे और केंद्र सरकार नूं इह फैसला वापस लैण लई मजबूर करांगे और पंजाब दे हितां लई लड़ाई लड़दे रहांगे। चीमा साहब, हिंदी में एक सवाल है कि हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जहां पर भी जो हिंदू माइनॉरिटीज में है उनके हक उनको दिए जाए, उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, पंजाब में भी स्टेट के राइट्स हैं, क्या आपका रिएक्शन है इस पे? हिंदी में थोड़ा सा बता देंगे क्योंकि देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चंडीगढ़ को लेके है, इस पे बाद में बात करेंगे। ये लोगों की बात है, लोगों की बात में करेंगे, इस पे बाद में कर लेंगे, आप इस पे पूछ लीजिए। चंडीगढ़ सवाल है पूरे देश में भाई, चंडीगढ़ वाले पूछ रही है और बताइए। चंडीगढ़ के बारे में बात हो रही है, अगर यूपी से जो बात हो रही है मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट लेकिन उनकी सैलरी कम होगी। जैसे सेंटर का पे कमीशन पंजाब में लागू करने लगे थे तो पंजाब के मुलाजमों की तनख्वाह कम हुई थी, तो नेचुरली ड्यूटी की भी कम होगी। सो ये फैसला जो है मुलाजमों के खिलाफ। 50,000 करोड़ के पैकेज की गल पर मुहतमान साहब चंडीगढ़ का क्लेम कर रहा है।